देश भर में वृद्धाश्रमों और उनमें रहने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। निजी वृद्धाश्रमों की भी बाढ़ सी आ गई है, जो पैसे के हिसाब से सुविधाएं दे रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 वृद्धाश्रम हैं। 5 सालों में इनमें रहने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ी है। राजस्थान के जयपुर में 4 वृद्धाश्रम निजी क्षेत्र के हैं। कोरोना से पहले तक चारों में 200 बुजुर्ग थे, अब यहाँ 330 रहते हैं। उदयपुर के 3 वृद्धाश्रमों में 152 लोग रहते हैं, 100 आवेदन पेंडिंग हैं। 5 साल पहले 137 थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7 वृद्धाश्रम हैं। 5 साल में इनमें रहने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। महाराष्ट्र के जलगांव में आनंदाश्रम में 5 सालों में बुजुर्गों की संख्या 1.5 से 2% बढ़ी है। वहीं हरियाणा के वृद्धाश्रमों में भी बढ़ी बुजुर्गों की संख्या। रोहतक में जनसेवा संस्थान में 5 साल पहले 20 बुजुर्ग रहते थे, अब 45 हैं। रोहतक के हरिओम सेवा दल सहारा आश्रम में 5 साल पहले के मुकाबले 15% बुजुर्गों की संख्या बढ़ी है। हिसार के वृद्धाश्रम में 145 बुजुर्ग हैं, 5 साल पहले यह संख्या 100 थी। पानीपत के ओल्ड एज होम में 16 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है, 10 बुजुर्ग रह रहे हैं। वहीं बिहार के 38 जिलों में 6 वृद्धाश्रम हैं। सरकार ने 72 और वृद्धाश्रम खोलने की योजना बनाई है। बिहार के 38 जिलों में लगभग 250 वृद्धाश्रम निजी हैं। इनमें 85 आश्रम अकेले पटना में संचालित हो रहे हैं। 2016-17 में बिहार में 80 वृद्धाश्रम थे, जहां पर 1300 से अधिक बुजुर्ग रहते थे। वहीं 2021-22 में बिहार के 38 जिलों में लगभग 4200 बुजुर्ग वृद्धाश्रम में निवास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।